नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल विजय चैनल पर दोस्तों बहुत बहुत आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत खास है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज की वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड खो गया है और दोस्तों आपके पास आपका आधार कार्ड नंबर भी नहीं है दोस्तों, या दोस्तों मतलब कुछ भी नहीं है कि अगर आप अपना आधार कार्ड कैसे मंगवाएं, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी प्रूफ नहीं है कि आप अपना आधार कार्ड ऑर्डर करें यानी मंगवाएं कैसे उसको। यानी जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपना नया आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, वहां से आपको एक रिसिप्ट मिलती है दोस्तों, वो भी आपके पास नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है, ना आधार नंबर है दोस्तों। और दोस्तों मैं ये भी बता दूँ दोस्तों कि उसको मंगवाना कैसे, वो भी दोस्तों मैं बताऊँगा कि अपने ही फ़ोन से यानी एंड्रॉयड फ़ोन से आप उसको घर बैठे कैसे मंगा सकते हैं दोस्तों। आपके पास कुछ भी नहीं है, आधार कार्ड नंबर भी नहीं है और उससे मतलब उसमें मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है, ये भी सारा कुछ बताऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। और तो इस वीडियो को फुल कंप्लीट देखते रहिए दोस्तों। तो इसके लिए करना क्या है दोस्तों, आपको सिंपल से अपने किसी एक ब्राउजर पे चले जाना है। तो सिंपल से मैं अपना गूगल ओपन करता हूँ, ठीक है ना। और गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट होती है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर टाइप करनी देती है दोस्तों। कौन सी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी UIDAI.com। ये ऊपर वाली जो वेबसाइट है दोस्तों देख सकते हैं, ये जो आधार की ऑफिशियल वेबसाइट होती है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद सॉरी मैं दोस्तों इस पर क्लिक कर दूंगा, डायरेक्टली वहीं पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और क्लिक करने के बाद जो क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। तो सिंपल से दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह का खुल गया है। तो दोस्तों ये जो इंटरफेस आ रहा है ये आधार कार्ड का ओरिजिनल यानी ओरिजिनल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, ठीक है। इतना आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली बारीक से देखें और थोड़ा ध्यान से देखें दोस्तों। इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं दोस्तों, घर बैठे आप अपने ही एंड्रॉयड फ़ोन से, आपके पास आधार कार्ड का कुछ भी डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है और वो भी अपने मोबाइल से एंड्रॉयड फ़ोन से कैसे मंगा सकते हैं घर बैठे। तो सिंपल से दोस्तों इस वाले टॉपिक पर आपको क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है रिट्रेस्टेव लॉस्ट फॉर फॉरगेट UID और इसमें लिखा EID, ठीक है ना। इस पर आपको क्लिक करना है, मैं इसमें क्लिक कर देता हूं। और क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस होगा दोस्तों वो आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। अब यहां पर आपसे आधार नंबर पूछ रहा है दोस्तों और एक जगह एम्प्लॉयड ID पूछ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सारा कुछ क्या करना है, इसमें कैसे कैसे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, ठीक है ना। तो सिंपल से वीडियो को फुल कंप्लीट ध्यान से देखिए दोस्तों। तो दोस्तों हमको अपना आधार कार्ड यानी मंगवाना है, आधार नंबर निकालना है, यानी दोस्तों पोस्ट ऑफिस से हमें आधार कार्ड मंगवाना है, ठीक है ना दोस्तों। तो सिंपल से आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे टिक रहने देना, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको अपना फुल नेम देना है एंड मोबाइल नंबर देना है और ईमेल एड्रेस हो तो देना है, बाकी अगर नहीं हो तो नहीं देना है। फिर इसके नीचे आएगा अपना ये कैप्चा, तो यहाँ पर कैप्चा वेरिफिकेशन कर देना है। तो दोस्तों तो मैं जल्दी से दोस्तों अपना नाम एंड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दोस्तों यहाँ पर आपको देना है, ये याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। तो सिंपल से दोस्तों मैं यहाँ पर जल्दी से दे देता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना नाम और मोबाइल नंबर ऊपर दे दिया है और मैं यहां पर पोर्ट करूंगा दोस्तों ये वाला कैप्चा। दोस्तों यहां पर स्मॉल R है और कैपिटल 52MA, ठीक है ना। तो 52MA इसको लिखने के बाद दोस्तों यहां पर सेंड OTP पे क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक करोगे दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं OTP ये जो लिखा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला गया दोस्तों, ठीक है ना। तो सिंपल से वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा और OTP आपको यहाँ पर फाइंड कर देना, हमारे मोबाइल पे OTP आ गया। तो दोस्तों हमारे फ़ोन पर OTP आ गया है, यहाँ पर OTP का सबसे नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे, मैंने स्क्रॉल कर दिया है, मैं आपको अपना मोबाइल नंबर नहीं दिखाना चाहूँगा, इस वजह से मैंने यहाँ पर स्क्रॉल करने के डायरेक्ट OTP आ गया हूँ। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। मेरा जो OTP है वो ऊपर आ चुका है 30 74 31, तो मैं इसको यहाँ पर दे देता हूँ 30 74 31। इतना देने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल से आपका लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ये ऑप्शन है ये दोस्तों सारा का सारा आ चुका है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डाउनलोड आधार ई आधार, ठीक है ना दोस्तों। तो आप आसानी से यहाँ से अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं दोस्त। तो दोस्तों यहाँ से अपना आधार कार्ड आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आपको दोस्तों मैं बता दूं ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हैं UID सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपका जो आधार नंबर है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज गया है, उस पर आपका आधार नंबर होगा दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो दोस्तों मेरा मैसेज आ रहा है दोस्तों, ये जो है ये वो मैसेज आ रहा है और ये मेरे नीचे जो आधार नंबर है दोस्तों, ये आधार नंबर आ चुका है दोस्तों। तो आई होप आशा करता हूँ ये दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों। इसी प्रकार की नई नई वीडियो और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।